Hi, welcome to my channel. It's between solve current question 5. Subtract the sum of this much and this much from the sum of this much and this much. Means करना क्या है आपको इन दोनों expressions को sum करना है और जो result आएगा उसको subtract कर देना है इन दोनों expressions के sum में. मतलब इन दोनों के expressions के sum से आपको subtraction करना है इन दोनों के जो expression का sum आएगा उसको. तो जैसा ये क्वेश्चन कहता है ठीक वैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा. तो लेट अस सॉल्व इट. तो जैसा ये कह रहा है ठीक वैसे ही हम लिख देंगे. ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया. ध्यान दीजिएगा, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम पहले सम कर लेंगे, मींस दिस वन एंड दिस वन, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस कर देंगे इसके और इसके जो यहाँ पर मैं लिखा है, इन दोनों एक्सप्रेशन का सम जो आएगा उसको माइनस कर देंगे इसमें से. तो जैसे ये कहता है ठीक वैसे ही आपको करना चाहिए. सो अब यहाँ पर हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे और जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. सो पहले हम इन दोनों बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उसको ओपन करेंगे, उसके बाद हम बड़े वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3L प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस ही रहेगा मल्टीप्लाई करने पर. देखिए प्लस और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही रहेगा और ये हो जाएगा 4N स्क्वायर माइनस, यहाँ भी ठीक हम करेंगे वैसे ही. सो अब यहाँ पर इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे और इसको और छोटा कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे. ठीक है, देखिए 9L आपका ये हो जाएगा 9L एंड 3L में से माइनस कर देंगे, आपको मिलेगा 6L 2M एंड 1M प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 3M, आफ्टर दैट माइनस 3N स्क्वायर एंड प्लस 4N स्क्वायर तो प्लस N स्क्वायर मिल जाएगा. अब माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे तो 3L एंड 2L आपको मिल जाएगा 5L, फिर माइनस 4M एंड प्लस 3M मिलेगा आपको माइनस M, माइनस 1M मिलेगा तो माइनस M ही लिखेंगे सही रहेगा, माइनस 7M स्क्वायर N स्क्वायर एंड माइनस 4N स्क्वायर को सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा माइनस 11 N स्क्वायर, क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम है तो ऐड कर देंगे और साइन रख देंगे जो सेम कॉमन होता है. अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर तो इसके पहले प्लस साइन है तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है. 6L प्लस इतना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए माइनस से 5L में तो आपको मिलेगा माइनस 5L, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस M, फिर माइनस माइनस प्लस और आपको हो जाएगा 11N स्क्वायर. अब 6L एंड 5L इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए 6L और माइनस 5L यदि करते हैं तो आपको मिलता है केवल L, फिर देखिए 3M एंड 1M तो प्लस 4M मिल जाएगा आपका, अगेन N स्क्वायर एंड प्लस 11N स्क्वायर तो प्लस 12N स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, यदि आप एडॉप्टेबल हो चुके हैं, आप प्रैक्टिस इतना कर चुके हैं कि आप दूर दूर से ही मतलब सिमिलर लाइक टर्म्स को देख सकते हैं और दोनों को सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है आपको सॉल्व करना. तो यहाँ पर तो बिल्कुल आप 6L और माइनस 5L को एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन क्यों बढ़ाएंगे, आप तुरंत यही भी सॉल्व कर सकते हैं. 6L में से 5L माइनस करेंगे तो आपको L मिलेगा, 3M में 1M ऐड करेंगे तो आपको 4M मिलेगा और N स्क्वायर में 11N स्क्वायर ऐड करेंगे तो 12N स्क्वायर मिलेगा. राइट, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको बिल्कुल क्वेश्चन देख करके ही आपको लग जाए कैसे सॉल्व करना है. ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि कोई भी डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप. यदि नहीं भी है डाउट तब भी आप यदि कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे मेरे लिए तो थैंक यू, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय.